रादौर के जेमआईटी चौक के पास रविवार सुबह तेज रफ्तारी के कारण दो वाहन आपस में टकरा गए, जिससे टेम्पो जहां सड़क के बीचों बीच पलट गया, वहीं ट्रक का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों के घायल चालकों को रादौर के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दोनों चालकों को गंभीर चोटें आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें यमुनानगर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी जसवीर सिंह ने बताया कि एक टेम्पो लाड़वा की ओर से यमुनानगर की ओर जा रहा था, जबकि एक ट्रक यमुनानगर की ओर से आ रहा था। जैसे ही टेम्पो जेमटी चौक के पास पहुंचा तो तेज रफ्तारी के कारण उसने सामने से आ रहे ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टेम्पो सड़क के बीचों बीच पलट गया। पुलिस ने दोनों घायल चालकों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। उन्होंने बताया कि सड़क बीचों बीच पलटे टेम्पो को सड़क से हटाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं घायलों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। एक बलेरो कैंपर है जो दिल्ली की तरफ से आ रही थी, एक ट्रक था, ये यमुनानगर की तरफ आ रहा था। यहाँ पे मोड़ है जेएमआईटी के पास, इसके ऊपर ओवर स्पीड में आते हुए बलेरो कैंपर वाले ने सीधी टक्कर मारी है ट्रक। तो दोनों इंजर्ड हैं, दोनों हॉस्पिटल में हैं। अभी आगे फर्दर स्टेटमेंट लेके नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यातायात को सुचारू? हाँ, चलवा रहे हैं, क्रेन मंगा के इसको साइड में करवाएंगे। गाड़ी पलट गई है, लोडेड है, वैसे हो नहीं सकती, तो इसीलिए क्रेन मंगवाई है और क्रेन मंगवा के इसको साइड में करवाएंगे। अभी तक क्या कारण लग रहा है सर? ओवर स्पीड का कारण, ओवर स्पीड में आगे। जानकारी के अनुसार घायलों में टेम्पो चालक सतीश कुमार दिल्ली का रहने वाला है, जबकि ट्रक ड्राइवर राजेंद्र कुमार यूपी के अलीगढ़ का बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।